तो गाइस आज की वीडियो में होने वाला है हम चोरी करने वाले चार ऐसी गोल्डन मस्टैंग जो लॉस सैंटोस में एकदम न्यू आई और मेरे को सबका एड्रेस पता चल चुका और मैं पहुंच गया हूँ पहले लोकेशन पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने इतनी ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ी और उसके बीच में गोल्डन मस्टैंग। भाई लोग मैं आ गया हूँ उसको चोरी करने को क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसा मजा आता है जैसे आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो फटाफट से, चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर रहे हो। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर देखो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी आप लोगों के सामने खड़ी है और तुम्हारा भाई किसी से डरता नहीं है। भाई तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा हार्ड है। देखो साइकिल पे एकदम डेंजर लुक में आया हो, मूड में आया हो, अपनी M4 लेके आया और यहाँ पर देखो ये है माफिया वालों का एरिया जहाँ पर ये माफिया अपनी न्यू मस्टैंग गोल्ड को लेके आया। जैसे आप लोग देख सकते हो सामने वो खड़ी है, उनको निपटाते है और इनको दिखाते है कि यहाँ का बॉस कौन है क्योंकि तुम्हारे भाई के जब सटकती है ना तो सबकी अटकती है, तुम्हारे भाई के आगे कोई टिक नहीं पाता है क्योंकि तुम्हारा भाई इज अ डेंजर। 007 सबसे डेंजर था ना भाई, तुम्हारा भाई उससे भी ऊपर 0007 है तुम्हारा भाई। इस मामले में ना भाई अपने से कोई पंगा नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ही डेंजर गन फायरिंग करता है। और यहाँ पर देखो इनके गाड़ियों के कलेक्शन, यहाँ पर देखो पूरी बुलेट प्रूफ और आगे जो लेमोजिन खड़ी है उनके ऊपर मशीन गन लगी है। तो भाई समझ रहे हो ये जो लौंडा है ना, जो भी इस गैंग का मेंबर का लीडर है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाईटेक सिक्योरिटी में रहता है और मेरे को पता चला है कि उसकी यहाँ पर मीटिंग है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है अपनी गोल्डन मस्टैंग में। तो तुम्हारा भाई इससे पीछा कहाँ छोड़ने वाला है क्योंकि अभी वो मीटिंग में गया और तुम्हारे भाई ने इसी का फायदा उठा कि यहाँ पर आधे बंदे उसके खड़े, आधे बंदे उसके साथ में गए, तो आधे बंदे को निपटाना बहुत ही इजी होगा अकेले। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई नहीं बचा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई, हाँ गाइस देखो ये पीछे छुपा है यहाँ पर, देखो क्या लगता है तो बच जाएगा मेरे से कवर में आके? नहीं भाई कोई चांस नहीं है, यहाँ पर कोई तो छुपा है। ये लो भाई ये भी गया निपटाया, ये भाई देखो कैसे मार रहा है भाई, तो कवर में रह के तेरा पूरा खोपड़ा दिख रहा था, चलो इसको भी निपटा दिया। और राइट ना मेरे को लग रहा है ना कि सब निपट चुके बट मेरे पीछे लग चुकी है पुलिस, है पुलिस वालों को काम धंधा नहीं है कि भाई मेरे पीछे ही तुम लगते हो, भाई मैं जब बनाता हूँ तो मेरे पीछे आता चोरी करके टाइम, कितनी चोरी होती है दुनिया में उनके पास जाओ यार, तो मेरे पास क्यों आते हो? बट कोई बात नहीं, अपने बैठ चुकी गोल्डन मस्टैंग में जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गाड़ी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाती है अपने आप से, इसके अंदर कोई भी मारो मतलब बॉम्ब भी फोड़ दो ये गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, इतनी ये बुलेट प्रूफ है क्योंकि ये गोल्ड की है भाई, इसको डैमेज घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको लेके यहाँ से निकलते, ये हमारी पहली मस्टैंग हमारे कब्जे में आई, बट एक बार इसका लुक देखो गोल्डन में क्या चमक रही है भाई, पुलिस से बच के निकलना पड़ेगा, उसके बाद अपने घर के बाहर इसको कलेक्शन में खड़ी करनी पड़ेगी। तो हमारे भाई को पता ही कलेक्शन करना बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को, तो मैं इसको लेके यहाँ से आ चुका हाईवे की तरफ, हाईवे नहीं कह सकते इसको मतलब भाई लॉस सैंटोस का छोटा मोटा रास्ता ये, बट हाईवे भाई क्या दिखता है रास्ता इन लोगों का, पुलिस से बचना है उसके बाद अपने घर पे जाना है। तो मैं क्या सोचता हूँ ना कि भाई जो शॉर्टकट्स आएंगे रास्ते में वो लेके निकलूंगा, मैं आप लोगों को पूरी नहीं दिखा सकता क्लिप भाई बहुत बड़ी हो जाती, बट मैं उसके बाद आ चुका हूँ मेरे घर के बाहर, पुलिस मेरे से पीछा छोड़ चुकी है और पहली मस्टैंग गोल्ड की तुम्हारा भाई लेके आ चुका है। उसके बाद हम बढ़ने वाले अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, मैं आ चुका हूँ जो की है ये सी पोर्ट आप कह सकते हो, जहाँ पर वो गोल्ड मस्टैंग अभी डिलीवर हुई है इस एरिया में। तो आप लोग नीचे देख सकते हो वो जो टैंकर्स खड़े ना वहाँ पर, टैंक कंटेनर खड़े उसके पास वो गोल्डन मस्टैंग खड़ी है। आई थिंक आप लोगों को दिखाई दिया होगा, नहीं दिखाई दिया रहेगा तो अपन थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से अपन पर अटैक करेंगे, उनको अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से मार रहे, पता भी चलेगा तो उनकी गोली आज तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि अपने पास M4 है और मेरे को पता चला कि उनके पास बहुत ही सस्ती सी कोई गन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सामने वो गोल्ड मस्टैंग, वो ज्यादा कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी अभी यहाँ पर आया है, तो उसको पता नहीं चला कि कोई चोरी करने आ सकता है इसकी गाड़ी को। और भाई मस्टैंग की एक एक की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। और कमेंट में मेरे को बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी गोल्ड की गाड़ी चोरी करूं जो कि मेरे कलेक्शन में बहुत ज्यादा हैवी लगेगा। लास्ट टाइम हमने डायमंड की थार और गोल्ड की थार चोरी करी थी और अब हम मस्टैंग गोल्ड की चोरी कर रहे हैं। और ये अगर खरीदना चाहते हो तो आप बोली लगा सकते हो कमेंट में, हमेशा की तरह वो गाड़ी आप लोगों की होती है क्योंकि भाई गाड़ी तो मैं बेचने को लाया क्योंकि मेरे को अमीर बनना है। और यहाँ पर देख सकते हो इनको निपटाने के बाद मेरे को लग नहीं रहा कि कोई बच्चा है या आजू बाजू एक बच्चा ये वाला बच्चा है, अब मेरे से सब निपट चुके हैं, अब बारी आ चुकी है यहाँ से उड़ी मार के नीचे पहुंचने की और गोल्ड मस्टैंग को लेके निकलने की क्योंकि तुम्हारे भाई के पीछे फिर से लग चुकी है वो 2 स्टार की पुलिस जिसको अपन इजीली यहाँ से निपटा सकते हैं। और रुको मेरे को लग रहा है कोई बच्चा है गाइस, ये देखो ये बच्चा है यहाँ पर, इसको मारने के बाद सामने हमारी गोल्ड मस्टैंग खड़ी जो अब भी डिलीवर हुई है बाहर से और इसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया। भाई समझ सकते हो वो मस्टैंग की भी 1 करोड़ थी, ये मस्टैंग की 1 करोड़ थी क्योंकि भाई लॉस सैंटोस में 4 ऐसी गोल्डन मस्टैंग आई थी जिसकी हर एक की वैल्यू 1 करोड़। 1 मिनट रुको, इसका ये हिल क्यों रहा है, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, अपन इसको फिक्स करवा लेंगे अपने दोस्त बैनी के पास से, पहले इसको यहाँ से लेके निकलते क्योंकि भाई गोल्ड की मस्टैंग और पीछे पुलिस लगी है तो मैं नहीं चाहता कि पुलिस तुम्हारे भाई को पकड़ ले, पकड़ लेगी तो जो हमने पहला चुराया वो भी सीज कर लेगी मतलब सील कर लेगी अपने पास ले लेगी और ये वाली मस्टैंग को भी अपने पास ले लेगी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस के हाथों में आऊं। और इससे पहले अपन यहाँ से लेके निकलते हमारी गोल्ड मस्टैंग को अपनी दूसरी कलेक्शन में एड करने को, पहली तो हमने चोरी कर ली, दूसरी भी हमने चोरी कर ली, ऑलमोस्ट ही चोरी कर ली कह सकते हो, पुलिस से बच के यहाँ
से निकलना है, आप पुलिस से बच के निकल जाएंगे तो तुम्हारा भाई बहुत ही इजीली इसको चोरी कर लेगा और इस भाई बहुत ज्यादा तगड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि मैं अभी तक 2 करोड़ का मालिक बन चुका हूँ, क्योंकि एक ऑलरेडी घर पे सेट है, मतलब घर पे पहुंच चुका है गाड़ी, अभी ये दूसरा सेट लेके पहुंच जाऊंगा तो भाई क्या ही, मतलब तुम्हारे भाई जैसा चोर कोई नहीं है। तो मेक श्योर वीडियो को देख रहे हो ना, ओपी लिख देना भाई, मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं पता ओपी कैसे लिखो। शिनचैन भी एक बहुत ही खतरनाक जगह पे गया है, शिनचैन को मैंने बहुत खतरनाक जगह पे पता करने को भेजा है, क्योंकि मेरे को पता चला है कि ऐसी 4 हेलीकॉप्टर जो कि पूरी डायमंड की है वो हमारे सिटी में आने वाली है। तो शिनचैन उसका पता करने गया है कि उसकी लोकेशन क्या हो सकती है। एक बार वो पता चल गया ना कि 4 डायमंड के हेलीकॉप्टर कहां पर आई है, कैसे कैसे जगह पे आई है, तो तुम्हारा भाई वो चोरी करने को पहुंच जाएगा। तो इसलिए शिनचैन वहां पर बिजी है, और इसलिए मैंने शिनचैन को बोला है कि बस भाई चारों लोकेशन पता करके बताओ, चारों लोकेशन पे ये पता कर कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, कितने ज्यादा बंदे हैं। तो शिनचैन उस पर लगा पड़ा और हमारे पर डायमंड मतलब सॉरी गोल्ड की मस्टैंग चोरी कर रहे हैं, और तीसरी जगह पे आ चुकी है जो कि सैंडी शोर का एयरपोर्ट। मेरे को बात ही ना शिनचैन यही कहे आजू बाजू, बट मैं शिनचैन को बोला तू अपनी जगह फोकस कर, मैं अपनी जगह पे फोकस कर रहा हूं, मैं आ चुका हूं चोरी करने को अपनी तीसरी मस्टैंग जो कि ये लोकेशन पे जो कि है एक मिलीनियर की, कह सकते हो डॉन भी एक तरह के, तुम कह सकते हो बहुत ही खतरनाक वो डॉन इस एरिया का है जो कि ये आउटवर्ड एरिया है, गांव का इलाका है। यहां पर देख सकते हो गाइस बहुत ही टाइट सिक्योरिटी अपने को दिखाई दे रही है, इनके पास गन भी बेहतरीन है, बट भाई डायरेक्ट अटैक करते हैं और इनको निपटाने के बाद, बट गोल्डन मस्टैंग कहां पर खड़ी है मुझे दिखाई नहीं दे रही है, रुको देखने तो कहां पर खड़ी है अभी भी दिखाई नहीं दे रही, लगता है अंदर की तरफ पार करके रखा है कि मुझे आप बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। और इनको तो भाई बाहर तक खेले मेरे बच्चे ही है, तुम मेरे बच्चे हो तुम, गाइस वो देखो गाइस वो रही गोल्डन मस्टैंग भाई जहर। और ये शिनचैन कैसे पता कर लेता भाई, ये जो गोल्ड मस्टैंग है ना उसको भी शिनचैन ने पता किया था, शिनचैन ने अखा एड्रेस निकालाया था, शिनचैन बहुत ही खतरनाक रहता है, शिनचैन का कोई अंडर पोल में काम करता है जो उसको सारी हकीकत बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। भाई ये देखो ये रही गोल्ड मस्टैंग, मैं भी क्या करने वाला पता है, यहां से ऑफ रोडिंग करके जाने वाला, मैं ट्राई करूंगा कि ये देखते गाइस ये ऑफ रोडिंग कर पाती है या नहीं, क्योंकि भाई मैं भी जाता हूं मस्टैंग जो हम चोरी कर रहे हैं भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब 1 करोड़ में तो नहीं बेचने वाला भाई, इसकी प्राइस 1 करोड़ है, तो मैं सोचता हूं कि भाई कुछ ज्यादा करके बेचू, भाई चोरी भी करी मैंने मेरी मिलिक्स लिए लाइफ की, तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम एक एक गाड़ी को 3 करोड़ में बेचने को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में आ जाओ, मैं आप लोगों को एड्रेस बता दूंगा, आके ले लेना तुम्हारी गोल्डन मस्टैंग। पहले तो यहाँ पर देखो गाइस ऑफ रोडिंग में इसके टायर कुछ ज्यादा ही स्लिप मार रहे हैं, लिटरली मेरे को नहीं लगा था कि ज्यादा स्लिप मारेंगे, बट कुछ ज्यादा ही स्लिप मार रहे, ब्रेक मारने के बाद हैंड ब्रेक मार रहा तो भाई टायर एकदम घसर जा रहे हैं, मतलब स्लिप मार जा रहे, देख सकते हो गाइस बहुत ही मस्त, और चलाने का भी बहुत ज्यादा बेहतरीन मजा आ रहा है मस्टैंग को इस जगह पे, जो कि प्योर ऑफ रोडिंग आप लोग कह सकते हो, गाड़ी ऑफ रोडिंग वाली है नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत दमदार है, जैसे कि देखो ये वो भाई अभी वो ठोकने वाला था, बट कोई बात नहीं ठोक भी देंगे तो गाड़ी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि गोल्ड की है तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता गाइस, मैंने कहा था ना हैंड ब्रेक मारो तो गाड़ी पूरी घूम जाती, बट ये ड्रिफ्ट देखो भाई यू गोल्ड ड्रिफ्ट मारने चक्कर में, चलो निकलते यहाँ से क्योंकि भाई टाइम हो जाएगा घर पहुंचने अपने को, और जाना है चौथी गाड़ी को चोरी करने को, क्योंकि भाई वो मेरे को पता चला है कि वो एक बहुत ही बड़े बिलीनियर का घर के अंदर रखा है, जो कि भाई लॉस सैंटोस के सबसे ऊपर पहाड़ की तरफ है। तो गाइस ये वो एरिया है जहां पर भाई ज्यादा सिक्योरिटी है, मैं गन भी लेके नहीं आया, मैं अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेके आया, उनको दिखाता हूं कुल्हाड़ी की पावर, और वो देखो गाइस मस्टैंग खड़ी है जीटी गोल्ड की खड़ी है। पहले उस चोरी करने से पहले इनको निपटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मेरी शक्ल देख ली, मैंने चाहता कि ये लोग जाके बता दे कि मैं हूं कौन, और पता नहीं इतना बड़ा इंसान है इसके घर के पर कैमरा नहीं है, तो भाई बहुत अच्छी बात है कैमरा नहीं है तो यार और क्या चाहिए अपने को, यहाँ पर रुको 1-2 बचे हैं भाई, कहाँ से आ रहे भाई इतने ज्यादा बंदे से रखे, तुमने देखा भी नहीं, बोला बहुत कम बंदे, चलो कोई बात नहीं 1-2 बंदे बच्चे हैं इनको मारेंगे भाई, फिर से एक और आगे कहाँ से निकल रहे भाई, पैदा कर रहे हो वहाँ पर खड़े खड़े भाई, देखो तो बेसबॉल उसने मेरे को मारा भाई, बेसबॉल खेल रहा है कि चलो मेरे को लग रहा है निपट चुके हैं। और वो रही हमारी गोल्ड मस्टैंग, अब बारी आ चुकी है इसको लेके निकल के अपनी चौथी कलेक्शन में ऐड करने की, और मेरे को शिनचैन का फोन आया है और शिनचैन मुझे कह रहा है कि उसको एड्रेस पता चल चुका है 4 हेलीकॉप्टर का जो कि डायमंड की है, और मेरे को पता चला है कि एक एक हेलीकॉप्टर की प्राइस 10 करोड़ रुपया है भाई, मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा पैसा, 4 हेलीकॉप्टर 40 करोड़ रुपया, तो यू मतलब चोरी करने के बाद मैं जब उसको बेचने जाऊंगा तो मैं 15-20 करोड़ में बेच सकता हूँ डायमंड हेलीकॉप्टर को। तो भाई साहब अगले एपिसोड में आप लोगों को बहुत ज्यादा तगड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि 4 डायमंड के हेलीकॉप्टर तुम्हारा भाई चोरी करने वाला है, शिनचैन ने एड्रेस पता कर लिया है, शिनचैन ने पूरी डिटेल्स निकाल ली है कि शिनचैन को सब मालूम पड़े, शिनचैन हमारा घर पे या फिर अभी तक पहुंचा नहीं सकते घर पे पहुंचेगा, उसके बाद डिटेल मैसेज शेयर करेगा, सब बताएगा मेरे को। तो ये जो गोल्ड मस्टैंग है ना अपने हाथों में आ चुकी है, चारों हमने मस्टैंग चोरी कर ली जो लॉस सैंटोस में कल आई थी, और आज तुम्हारे भाई के पास पहुंच चुकी है, किसी को मेरे घर का एड्रेस नहीं पता क्योंकि घर बहुत ज्यादा खुफिया है, किसी को पता नहीं किसने चोरी करा है, क्योंकि भाई जहां जहां मैंने गया ना वहां सबूत मैंने छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस मैं आ चुका हूं मेरी चौथी मस्टैंग को लेके अपने घर के बाहर, भाई लोग जहर, अब सिर्फ आप लोगों का वेट है, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो इसको 3 करोड़ में तो बोली लगा लो, अगर आप बोली लगाते हो हाई जितना हाई प्राइस रहेगा मैं उसको बेचने को तैयार हूं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसी लगी रहेगी ना उसका भी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।